सब्सक्राइब कीजिए फेबनर चैनल को और बेल आइकन पे दबाइए लेटेस्ट बिजनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं फेबिनार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रोटी बनाने का बिजनेस के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप एक घंटे में 1000 रोटी बना सकते हैं। हां दोस्तों, सो ये बिजनेस उनके लिए है जो बड़े पैमाने पर एक टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक बड़े शहर में या फिर एक छोटे शहर में किसी भी तरीके से वो बड़े से बड़े 100-200 लोगों को टिफ़िन अगर सर्व करते हैं तो इनके लिए मशीन फ़ायदेमंद होगा। इस मशीन का कीमत है 2.5 लाख रुपए, जो आपको एक घंटे में 1000 रोटी बना के देती है। तो आइए इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं और देखते हैं कौन सी मशीन है, किस तरीके से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, रोटी हमारे देश के मुख्य खानों में से एक है, जहां तक एक तरफ से आसानी से प्राप्त हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसे अपने भोजन में शामिल करने में किसी तरह का परहेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। रोटी खाना यहाँ लगभग हर एक इंसान को पसंद है। भारत एक विकासशील देश है और इसमें ज़्यादातर लोग रोटी खाते हैं और नई नई फैक्ट्रियाँ बैठ रही हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग, ऑफिसों में लोग डेली बाहर ही खाते हैं ज़्यादातर। तो ऐसी जगह पे लोग अपनी टिफ़िन सर्विस का को प्रोवाइड करते हैं जहाँ से बहुत सारी डिमांड आती है रोटियों के लिए। तो आप इस तरीके का टिफ़िन सर्विस का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये मशीन आपको खरीदना अनिवार्य होगा, जहाँ से आप एक घंटे में 1000 रोटी बना सकोगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके पास 400 या 500 डेली टिफ़िन सर्व करते हो तो आपको ये मशीन जो है काफ़ी मददगार होगी। आज बड़े बड़े शहर में रोटी सप्लायर की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। आप रोटी सप्लायर की तरह भी काम करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। रोटी सप्लायर क्या करते हैं कि बड़े बड़े होटल या छोटे छोटे होटल को रोटी बना के वहाँ पर उनको सप्लाई करते हैं। उनको टाइम पे सुबह में या शाम में जितनी रोटियां चाहिए इस मशीन को लेकर वो रोटी भी सप्लाई करते हैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट में या छोटे छोटे होटलों में। तो इस तरीके से आप रोटी सप्लायर का भी बिजनेस कर सकते हैं या फिर टिफ़िन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने रेस्टोरेंट में इस मशीन का यूज करके इस मशीन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो और भी जानते हैं इसके आगे, तो चपाती बनाने की मशीनरी की बात करें तो इसकी कीमत जैसा कि मैंने बताया 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट है, जिससे कि आप 1000 तक का रोटी एक घंटे में बना सकते हो। ये मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन है जिसकी सहायता से आप 1000 रोटी बना सकते हो और इसमें मैदा या आटा दोनों मिक्स करके बना सकते हो या फिर अलग अलग तरह की रोटियाँ बना सकते हो। इस मशीन के माध्यम से, कटर मशीन के माध्यम से रोटी के आकार का जो है आटा जो है अपने आप कट के वो उसी मशीन में ही सेक के रोटियां बन जाती है। तो काफ़ी आसान है इस मशीन से बनाना और इसे मशीन को काफ़ी आसान है चलाना। कोई भी सिंगल बंदा इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है और आटा जो है 2100 रुपये किलो का आता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 किलो आटे में आप लगभग कितनी रोटियां निकाल सकते हो, तो उस हिसाब से आप इस पे मुनाफा ले सकते हो। रोटी बनाने का प्रक्रिया काफ़ी आसान है। आप इससे मशीन को इंस्ट्रक्शंस पढ़ के काफ़ी आसानी से इस मशीन के माध्यम से 1000 रोटी जो है एक घंटे में निकाल सकते हो। सो इसके साथ साथ आप काफ़ी बिजनेस कर सकते हो। आप अपने लोकल शहर में या बड़े शहर में देख सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मशीन को ख़रीद के आप अपने बिजनेस को इंस्टॉल कर सकते हो। आप चाहे तो टिफ़िन सर्विस दे सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है टिफ़िन सर्विस को देना, जहाँ से आप इस मशीन के माध्यम से 1000 रोटी बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छा वाला बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, अगर आप टिफ़िन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर रोटी सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इस मशीन के साथ साथ FSSAI से लाइसेंस भी लेना होगा।
जो कि काफ़ी अनिवार्य होता है किसी भी फूड बिजनेस के लिए। सो आपको इसके साथ साथ FSSAI से लाइसेंस भी लेना होगा। तो आप लाइसेंस लेने के लिए आप FSSAI के वेबसाइट से पे जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हो FSSAI के लिए। सो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को